हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आपका मोस्ट वेलकम है हमारे सेशन में। माय नेम इज अजित मिश्रा, आई एम योर जी एजुकेटर। और आज हम बात करेंगे अपने करंट अफेयर्स की। आई होप कि आप लोग उठ गए होंगे अच्छे से, नींद वींद खुल गई होगी और चाय और कॉफी के साथ हमारा सेशन एंजॉय कर रहे होंगे, नहा धो भी लिए होंगे। तो गाइस, मिर्जापुर में लाइट वाइट नहीं है, तो हो सकता हो कि कुछ इशू साउंड वाउंड का आपके साथ हो जाए। तो यहाँ पे लाइट कल रात से ही नहीं है, तो अभी हम लोग ऐसे ही शो करेंगे, ठीक है? तो गाइस, आज तो 1000 लाइक होने चाहिए हमारे सेशन में, है ना? और 300 लाइक का जो टारगेट है वो अभी तक पूरा नहीं हो रहा है। कल 284 पीक करें मतलब पीक था। चलो, आई होप कि आज हो जाए हमारा सेशन लाइव। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, और बात करते हैं आपसे गाइडली के एक्सप्रेस वीडियो कोर्स के बारे में। आपको इन्फॉर्मेशन पहले भी दी जा चुकी है, तो गाइडली के एक्सप्रेस कोर्स के बारे में बात करें गाइस। तो दो कोर्स इस समय चल रहे हैं। एक कोर्स हर एजुकेटर का इंडिविजुअल चल रहा है, जैसे मेरा है, सचिन सर का है, यश सर का है, अमित सर का है, नरेंद्र सर का है, महिपाल सर का है, सबका इंडिविजुअल कोर्स भी है। और ये इंडिविजुअल कोर्स 499 का है, ठीक? और अगर हम बात करें आपसे कि आपको अगर प्रॉपर पूरा बैच चाहिए जिसमें आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सब कुछ मिले, तो हमारा एक्सप्रेस वीडियो कोर्स जो है ये 1499 का। इसमें सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड है और इसमें सारे लेक्चर्स लाइव है, ठीक? और अगर आप एक्सप्रेस वीडियो कोर्स लेते हो तो आपके लिए इंडिविजुअल बैच ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। एक्सप्रेस वीडियो कोर्स आपका ये लाइफ टाइम वैलिड है, और इस पे आपको हम मॉक टेस्ट भी देते हैं, पूरे एक साल के लिए मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं, यानी आपको कुछ भी परचेस अलग से नहीं करना है। सेशन ये अगर आपको कोर्स को देखना है तो वीडियो जो खत्म हो जाएगी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां पर चले जाइएगा, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी, लिंक से सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। चलिए इसके अलावा गाइस, आज दिन के 11 बजे सचिन मोदी सर की क्लास है, एसबीआई पीओ रीजनिंग, न्यू पैटर्न क्वेश्चन, बैंक प्रीलिम्स, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, ये मोदी सर का दावा है। तो मोदी सर रीजनिंग के बड़े अच्छे एजुकेटर, मतलब मैं तो मानता हूं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर है, और जरूर उनकी क्लास लीजिए आप, उनसे आप ज्ञान अर्जित करिए थोड़ा सा, ठीक? चलिए, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं गाइस अपना सेशन। पहले कर लेते हैं वार्म अप कर लेते हैं, है ना? वार्म अप जरूरी होता है किसी चीज करने के लिए, फिर उसके बाद हम हार्ड कोर एक्सरसाइज करेंगे। पहले वार्म अप की बात कर लेते हैं। मेरे क्वेश्चंस आपके आंसर। मेरा पहला क्वेश्चन आपके सामने, इन विच सिटी स्त्री प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च टू सपोर्ट एंड एम्पावर वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। तो आपसे पूछा गया है कि किस शहर में महिलाओं के समर्थन और एम्पावरमेंट के लिए स्त्री नाम का कार्यक्रम शुरू किया गया है। पढ़ाए कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है, आप लोग को इसका आंसर पता होगा। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो हैदराबाद सही आंसर हमारा है, हैदराबाद सिक्योरिटी काउंसिल एंड हैदराबाद सिटी पुलिस ने मिलकर यह इनिशिएटिव शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच स्टेट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव रुपीज 1280 करोड़ फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन। 1280 करोड़ रुपए किस स्टेट के लिए अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए हैं फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द जल जीवन मिशन। ये जो स्टेट है, ये स्टेट 2023-24 तक 100% टैप वाटर कनेक्शन देने के लिए अपना टारगेट बना रहा है। 1280। और इसका आंसर क्या होगा? नविता पंडित बोल रही है एमपी, क्या ये सही आंसर होगा पंडित जी? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है एमपी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हमारे पीडीएफ में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो इसमें कुछ आपको याद नहीं करना है। 1280 फॉर एमपी, और एमपी का टारगेट ईयर है 2023-24, ठीक? इतना ही पढ़ना था आपको। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। वर्ल्ड बैंक हैज लेंट रुपीज 1950 करोड़ रुपीज लोन्स टू विच स्टेट गवर्नमेंट फॉर टैकलिंग कोविड सिचुएशन। तो आपको बताया गाइस, मैंने आपको ये पढ़ाया था, इसमें से 850 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे वेलफेयर स्कीम्स के लिए और 1150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इंडस्ट्रीज के लिए। ये मैंने आपको कल ही पढ़ा दिया था। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज वन द वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर बिड वर्थ ₹6 बिलियन। ये भी आपको पढ़ाया गया है। वॉट इज द आंसर? इसका आंसर क्या होने वाला है? और गाइस, अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अडानी ग्रीन एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अडानी ग्रीन एनर्जी ने ₹6 बिलियन का दुनिया का सबसे बड़ा सौर कॉन्ट्रैक्ट जीता है, जिसमें 8 गीगावाट का प्लांट लगाना है एंड 2 गीगावाट का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लगानी है। आपको मैंने पढ़ाया है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं गाइस। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द लोकेटेड फंड अंडर द मनरेगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021? याद है ना, बजट में 61,500 करोड़ और उसके बाद अलग से 40,000 करोड़ रुपीज, कितना हो गया गाइस? तो आप लोग को आंसर मालूम चल गया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 101,500 करोड़ रुपीज। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। नेम द इंडियन इंजीनियर एंड एंटरप्रेन्योर बेस्ड इन वर्जीनिया
केरला से बिलोंग करते हैं ये, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द नासा डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस मेडल. वी हैव फाइव ऑप्शन, व्हाट इज योर आंसर? वी हैव फाइव ऑप्शन, व्हाट इज योर आंसर? आंसर क्या होने वाला है इसका? और गाइस अगर ऐसे मैथ आंसर इज रंजीत कुमार, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. नेम द इंडियन 800 मीटर रनर हु हैज बीन हैंडेड अ 4 ईयर बैन फॉर डोपिंग बाय द एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिटी ऑफ वाडा. तो वाडा के एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिटी ने यूनिट ने किस भारतीय 800 मीटर महिला धावक को 4 साल का बैन लगा दिया है फॉर द डोप टेस्ट. व्हाट इज द आंसर? क्या इनका नाम है ये देख लीजिएगा. वी हैव फाइव ऑप्शंस. और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा गोमती मरीमुथु, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. गोमती मरीमुथु ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. ठीक है, सारे पीडीएफ में आपको ये सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. इसमें कुछ एक्स्ट्रा होगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जरूर, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो. चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं. यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिस्टर नितिन गडकरी एक्सेप्टेड द पंजाब स्टेट गवर्नमेंट डिमांड फॉर इंक्लूडिंग विच सिटी इन एन एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट दैट विल कनेक्ट दिल्ली एंड कटरा जम्मू एंड कश्मीर. तो दिल्ली से कटरा मतलब जम्मू एंड कश्मीर के लिए हाईवे जा रहा था. तो पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर है कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने डिमांड की कि इस शहर को भी इस हाईवे से जोड़ा जाए. वो शहर कौन सा है वो आपसे पूछा गया. अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको देना है, सही देना है. व्हाट इज द आंसर? आंसर क्या होगा इस वो देखना. और आंसर की बात कर ले, आंसर इज अमृतसर, ऑप्शन नंबर ए. तो अमृतसर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, बिल्कुल सही. नेक्स्ट क्वेश्चन. To encourage the Make in India initiative, the Department of Chemical and Petrochemical identify how many types of chemical, petrochemical, pesticide and dye stuff and assess the domestic manufacturing capacity and local competition. तो मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल और पेट्रोकेमिकल है वो कितने तरह के रसायनों को चुना गया है. मतलब बेसिकली मतलब क्या है इसका डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए बात हो रही है. तो कितने टाइप के केमिकल्स को चुने गए हैं ये आपसे पूछा गया है. अच्छा क्वेश्चन है ये, क्या इसका आंसर होगा? यहां पर पवनजीत बोल रहे हैं 25, अधिकारी बोल रहे हैं 55. इसका आंसर आप लोगों को नहीं पता, कोई बात नहीं, इसका आंसर 55 है, ऑप्शन नंबर सी. तो गाइस हम लोग करते हैं क्या है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आज थर्सडे है, तो हम लोग पूरी वो न्यूज देखते हैं कि जो भी न्यूज हमसे स्किप हो गई है. यकीन मानिए गाइस, आप हमें करंट अफेयर्स में अपना टाइम दीजिए, आपका एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं, वो हम कवर करा देंगे. ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारी गारंटी भी है. और हमारा करंट अफेयर्स में जितना न्यूज आपको मिल जाएगा ये हमारा मतलब एक दावा है कि इतनी न्यूज कहीं नहीं मिलने वाली आपको. तो इसीलिए हमारे सेशन को आप लाइक भी कर सकते हैं. चलिए इन सब की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको हमारे पीडीएफ में मिल जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द एलएनटी कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर. इसमें से किस व्यक्ति को 3 साल की अवधि के लिए लार्सन एंड टर्बो का गैर कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है? वी हैव 4 ऑप्शन. व्हाट इज द आंसर? आंसर क्या होगा देख लीजिए, यहां पे 4 ऑप्शन हमारे पास हैं. तो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन फॉर द एलएनटी फॉर द 3 ईयर एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ए एम नाइक. ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. आगे बढ़ेंगे इस और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की. हु हैज डिजाइन एंड डेवलप एंड इंडक्टेड एन एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन. मतलब अर्पित गाइस, अर्पित कल पढ़े थे, आपसे पूछा गया कि अर्पित को किसने डेवलप किया. अर्पित को डेवलप करने में 60,000 रुपीज लगे थे, ये भी कल मैंने आपको पढ़ा दिया था. अर्पित को इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इंडियन एयरफोर्स, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. लेट्स मूव टू क्वेश्चन 12. Which Indian Navy ship reached Port Victoria in Seychelles to provide COVID-19 related medicine under Mission Sagar? तो आपको गाइस पता है कि मिशन सागर के तहत जो भारत सरकार है वो हमारे देश के हिंद महासागर के जो आइलैंड नेशन है उनको मेडिसिन और पीपीई किट प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर द कोविड-19. तो अभी हमने सेशल्स को अपनी एक शिप भेजी फॉर टू मतलब की मेडिसिन लेकर. ये शिप का नाम आपसे पूछा गया और इसका आंसर क्या होगा देख लीजिए. आंसर की बात कर ले गाइस, तो इसका आंसर होगा केशरी, आईएनएस केशरी, ऑप्शन नंबर डी. सेशल्स की करेंसी क्या है? तो एक ट्रिक देख लीजिए, मामा श्री ने भाई से पाक मांगा,
ये सारे देश जो है वहां पे रुपीज चलता है, ठीक है। तो मामा श्री की मतलब क्या हो गया, मामा मॉरिशस, मॉरिशस हो गया आपका, ठीक है। मॉरिशस की करेंसी क्या है, मालदीव की करेंसी क्या है, श्रीलंका, नेपाल, भारत, इंडोनेशिया, सेशल्स, पाकिस्तान, इन सब में क्या चलता है, इन सब में रुपीज चलता है ना। तो ये आप लोग को इस तरह ट्रिक मैंने पढ़ाया यूट्यूब पे, तो आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ओनली एस आर के भैया मस्त रहो, खुश रहो, चलो आगे बढ़ते हैं। इसलिए मना करते हैं कि रात रात में सोया करो, यहां वहां बात करने की जरूरत नहीं है। अगर आराम से रहोगे तो सुबह 7 बजे का सेशन देख लोगे, लेकिन तुम लोग मानते ही नहीं हो। इतना तुम लोग का काम है, पहले अपना काम है, अपने घर का काम है, फिर दूसरे का काम है, दूसरे घर का भी काम है ना, कई सारे घर भी तुम लोग के होते हैं। तो इसीलिए रात में सोया करो भाई, सुबह 7 बजे क्लास लिया करो। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस, और क्वेश्चन 13 की बात करते हैं। इन विच स्टेट अ प्लांट हेल्थ क्लिनिक वॉज इनोग्रेटेड। तो इस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने ये बात सोची है कि अपने स्टेट की इकोनॉमी को इंक्रीज करने के लिए हम प्लांटेशन करेंगे, इकोनॉमी इकोनॉमी प्लांटेशन। तो प्लांट हेल्थ क्लिनिक किस स्टेट में खोला गया है, ये आपसे पूछा गया है, और इसका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज मणिपुर, ऑप्शन नंबर डी। मणिपुर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। हम आगे बढ़ेंगे, आपको दिखाते हैं अपनी न्यूज, मतलब ये एन बीरेन सिंह जी ने इसे लॉन्च किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द 2020 वर्ल्ड आर्चरी फील्ड चैंपियनशिप विच वॉज स्केड्यूल टू बी हेल्ड इन विच कंट्री वॉज पोस्टपोन टू 2022। तो 2020 में ये होने वाला था वर्ल्ड आर्चरी फील्ड चैंपियनशिप, लेकिन अभी ये 2022 में चला गया, बिकॉज 21 में टोक्यो ओलंपिक है ना, तो कोई दिक्कत ना है, इसलिए मतलब कि ये 22 में चला गया। तो अब जरा मुझे बताइए कि ये किस कंट्री में होने वाला है वर्ल्ड आर्चरी फील्ड चैंपियनशिप। अंकिता पॉल बोल रही है यूएसए, क्या ये सही आंसर होगा, और देख लेते हैं, ठीक है, यूएसए, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च मेघ संदेश एप्लीकेशन दैट वुड प्रोवाइड रियल टाइम इंफॉर्मेशन एज वेल एज फोरकास्ट ऑन रेन, फ्लडिंग एंड द थंडरस्टॉर्म। आंसर क्या होगा, ये मैं कल आपको पढ़ा चुका था। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर कर्नाटक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कर्नाटक ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेट्स मूव टू कुछ नहीं, डेली करंट अफेयर्स। तो अब डेली करंट अफेयर्स की हम बात करने वाले हैं, और स्टार्टिंग कहां से करेंगे, हम स्टार्टिंग करेंगे अपने मोटिवेशनल कोट के साथ। हो सकता हो कि मोटिवेशनल कोट आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा। तो मोटिवेशनल कोट हमारा क्या, लर्न एवरीथिंग दैट इज गुड फ्रॉम अदर। बिल्कुल सही बात है, दूसरों से आपको अच्छी सीख लेनी चाहिए, बट ब्रिंग इट इन एंड एब्जॉर्ब इट इन योर वे, बी योर सेल्फ, डू नॉट बिकम अदर। बहुत अच्छी बात, मतलब यही तो मैं हमेशा आपको समझाता हूं, आपका कॉम्पिटिशन किसी और से थोड़ी ना है, और जरूरी नहीं है कि वो इंसान जैसा है वैसा आप बन जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मेरी जीए बहुत अच्छी है, तो क्या जिस तरह मैं जीए पढ़ता हूं, जो मेरे अंदर पैशन जुनून है, वो आपके अंदर हो पाएगा, नहीं। तो अगर आपके जीए में मेरे इतने मार्क्स नहीं आते हैं, तो शायद आपको फोकस अपने रीजनिंग पर या क्वांट पर या इंग्लिश पर और ज्यादा करना चाहिए, जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो। लोग कहते हैं कि यार मैं रात भर पढ़ता हूं, रात भर पढ़ता हूं। तो अभी क्या है कि हम रात भर नहीं पढ़ते, हमें आदत नहीं है, लेकिन अब उसने कह दिया कि वो पढ़ता है तो हम भी पढ़ेंगे। अब बैठे हैं, मार नींद आए पड़ी है, गिर पड़ रहे हैं नींद में, लेकिन किताब खोल के बैठे हैं, तो ना हम पढ़ाई कर पा रहे हैं और ना हम कुछ सो पा रहे हैं, अपने आपको आराम दे पा रहे हैं। तो गाइस, जैसे आप है ना वैसे रहिए, कभी किसी के लिए अपने आप को चेंज मत करिए, कभी किसी को देख के अपने आप को चेंज मत करिए। आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस वो आपकी है, आपको अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाना है, आपको अपने हिसाब से अपनी करियर चुनना है, आपको अपने हिसाब से एग्जाम्स देने। तो अपना बी योर सेल्फ, आप अपने पर डिपेंड रहिए, एग्जाम आपको देना है, किसी और को नहीं देना, ठीक है। ये बहुत अच्छा मोटिवेशनल कोच है, और मतलब ये आपको हाँ, ये आपको काफी, इसे सोचिएगा, ये सेशन खत्म होने जरा सोचिएगा मेरी इस बात को, जरूरी लगे तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, ये बहुत अच्छा मैसेज है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, और अब हम बात करेंगे अपने न्यूज की प्रॉपर, और स्टार्टिंग करेंगे रिपोर्ट और इंडिसेस की। और रिपोर्ट और इंडिसेस में जो ये न्यूज मैं आपको दे रहा हूं, अगर अभी आपके एग्जाम्स होते हैं 4-5 महीने बाद भी ना, तब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ये हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो अभी एक मर्सर की इंडेक्स आई है, जिसमें मुंबई को दुनिया का 60वां सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है, और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का सबसे महंगा शहर मुंबई है, और पूरे ग्लोबल लेवल पे 60वां, 60th। आइए आपको पूरी न्यूज दिखाते, तो पूरी न्यूज इस तरह है हमारे पास। देखिए, अकॉर्डिंग टू मर्सर्स 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे, मुंबई दुनिया का 60वां सबसे एक्सपेंसिव सिटी बन गया है, और एशिया का 19 सबसे एक्सपेंसिव सिटी बन गया है। ये जो मर्सर ने जो सर्वे किया है, तो पूरे वर्ल्ड के 209 सिटीज का सर्वे किया है, मतलब वहां पे रहना कितना महंगा है, ये सर्वे का ऑब्जेक्टिव है।
तो इंडिया का सबसे महंगा शहर मुंबई बन गया है और दुनिया का 60th नंबर का, एशिया में 19th नंबर का। तो इतने पॉइंट तो आपको लर्न करने ही करने हैं और मैं बोल दे रहा हूं गाइस कि ये एग्जाम में जरूर आएगा, मैं बोल रहा हूं आपसे, ठीक। इसके अलावा देखिए, अच्छा इसके अलावा गाइस मुंबई के बाद की बात करें तो मुंबई के बाद दिल्ली की बात करें, दिल्ली 101 मतलब 101 पोजीशन पे है और चेन्नई 143rd पोजीशन पे है। तो ये टॉप 3 सिटीज इंडिया के, 60वें नंबर मुंबई, दिल्ली 101 एंड चेन्नई 143। तो एक पॉइंट ये भी आपको लर्न करना है। तो ग्लोबल लेवल पे टॉप किसने किया, सबसे महंगा शहर रहने के लिए कौन सा है, तो वो हांगकांग है। तो हांगकांग सबसे महंगा शहर हो गया पहले नंबर पे, उसके बाद अशगबाद, तुर्कमेनिस्तान का शहर अशगबाद, आपको नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे टोक्यो है जापान का, जो सबसे महंगे शहरों में लिस्ट में आता है, ठीक। तो ग्लोबल लेवल की बात करें तो ग्लोबल लेवल पे हांगकांग सबसे महंगा शहर है और ग्लोबल लेवल पे मुंबई 60वें नंबर पे, हालांकि मुंबई इंडिया में सबसे महंगा शहर हो चुका है। तो ये इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी भी साल एग्जाम देख लीजिएगा, ये मर्सर वाला ये सर्वे हमेशा एग्जाम में आता है। चलिए ये तो हमारा हो गया, आगे बढ़ते हैं तो टॉप 10 सिटीज की बात कर ले। हालांकि गाइस आपको टॉप का ही क्वेश्चन पूछा जाता है हांगकांग, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, दूसरे पे अशगाबाद है, तीसरे पे टोक्यो है, चौथे पे ज्यूरिक है स्विट्जरलैंड का, पांचवें पे सिंगापुर है, छठवें पे न्यूयॉर्क है और सातवें पे शंघाई है, आठवें पे बर्न है, नवें पे जिनेवा है और टेंथ पे बीजिंग है। तो आपको 10 नाम याद करने की जरूरत नहीं है, केवल टॉप का नाम याद कर लीजिए, वो हांगकांग है। मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम में इतने डीप में क्वेश्चन नहीं आते। तो ये हमारा पहला न्यूज था रिपोर्ट और इंडिसेस का जो हमने दिया आपको। तो दूसरे न्यूज पर चलेंगे जो कि अपॉइंटमेंट का है और अपॉइंटमेंट में यहां पर हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को अपना एक इवेंट करना है, अपना टूर करना है इंग्लैंड के लिए अभी, ठीक। तो उसलिए क्या हुआ है कि पाकिस्तान ने अपने क्रिकेट टीम के लिए बैटिंग कोच अपॉइंट किया मिस्टर यूनिस खान को, यूनिस खान कमान के बल्लेबाज अपने अपने टाइम के। तो यूनिस खान अपॉइंटेड पाकिस्तान बैटिंग कोच, यूनिस खान को पाकिस्तान का बल्लेबाजी को चुना गया है। यूनिस खान जो कि इकलौते पाकिस्तान क्रिकेटर हैं जिन्होंने 10,000 से ज्यादा टेस्ट रन बनाए हैं, हालांकि ये पढ़ना नहीं है आपको, नाम याद रखिए यूनिस खान, इनको पाकिस्तान ने अपना बैटिंग कोच अपॉइंट किया है टूर ऑफ इंग्लैंड के लिए, टूर ऑफ इंग्लैंड के लिए। इसके अलावा पाकिस्तान ने मुश्ताक अहमद को अपना बॉलिंग कोच बनाया है, स्पिन बॉलिंग कोच बनाया है फॉर द इंग्लैंड टूर। यानी यहां पर दो अपॉइंटमेंट है गाइस, एक यूनिस खान और एक मुश्ताक अहमद। अपॉइंटमेंट में हमारे पास बड़ी न्यूज नहीं थी, अपॉइंटमेंट में एक न्यूज और है हमारे पास, लेकिन उसे हमने एक्स्ट्रा हाईलाइट में डाला हुआ है क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं थी, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट में एक पॉइंट हमने यहां पर कर लिया। चलिए गाइस जरा सेशन को लाइक करते रहिए जो लोग आ रहे हैं और शेयर कर दीजिए अपने अपने प्लेटफॉर्म पर, सब लोग जितना भी आप लोग यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे बिजनेस फाइनेंस की बात करेंगे और बिजनेस फाइनेंस में न्यूज नंबर 1 गाइस, आप लोगों ने गिफ्ट सिटी का नाम सुना है। गिफ्ट सिटी गुजरात में एक सिटी है, एक सिटी का मतलब प्रॉपर एक एरिया है जहां पर वर्ल्ड लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर हम प्रोवाइड कर रहे हैं सारी की सारी दुनिया भर की फाइनेंशियल कंपनीज को। गाइस जैसे आईटी पार्क होता है भाई, आप बैंगलोर को इंडिया का सिलिकॉन वैली क्यों बोलते हैं, या आप कैलिफोर्निया को सिलिकॉन वैली क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहां पे सारी आईटी कंपनी का पूरा आईटी कंपनी एस्टैब्लिश है। तो दुनिया जितनी भी फाइनेंशियल कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, उनको प्रॉपर अपने ऑफिस खोलने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है गिफ्ट सिटी के रूप में गुजरात गवर्नमेंट ने। तो गिफ्ट सिटी को बनाने में आईएलएनएफएस का भी इन्वेस्टमेंट था। तो आईएलएनएफएस ने अपने 50% स्टेक गुजरात गवर्नमेंट को बेच दिए हैं बिकॉज ये गिफ्ट सिटी गुजरात में ही है। आइए आपको पूरी इंफॉर्मेशन दिखाते हैं। देखिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड कंपनी हैज कंप्लीटेड द सेल ऑफ इट्स 50% स्टेक इन गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जिसे हम गिफ्ट सिटी के नाम से जानते हैं। तो आपको ध्यान कर देना है कि आईएलएफएस ने अपना 50% शेयर जो है गिफ्ट सिटी में वो गुजरात गवर्नमेंट को बेच दिया। गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, तपन रे इसके सीईओ हैं गिफ्ट सिटी के, ठीक। आगे देखिए, दिस स्टेक वेयर बॉट बाय द गुजरात अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ द गुजरात गवर्नमेंट। तो गुजरात गवर्नमेंट की एक कंपनी है गुजरात अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, उसने गुजरात गवर्नमेंट के बिहाफ पर ये 50% शेयर परचेस किए। अब परचेस किए तो कुछ अमाउंट देना पड़ेगा और बदले में आईएलएफएस को 32.71 करोड़ रुपीज दिए गए हैं। तो एक इंफॉर्मेशन ये भी हमने आपको दे दिया है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। अरे वो स्वेटिंग है थोड़ा सा सत्यम, बस
ठीक है, और कुछ नहीं है। तो ये भी पॉइंट हमने आपको बता दिया, ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ेंगे गाइस। तो बिजनेस फाइनेंस में हमने एक न्यूज की बात की कि IL&FS ने अपना 50% स्टेक गिफ्ट सिटी में बेच दिया गुजरात गवर्नमेंट को। न्यूज नंबर 2 की बात करें तो COVID-19 की वजह से गाइस बहुत तरह के ट्रेड फेयर नहीं हो पा रहे, तो हमारे देश का पहला पहला वर्चुअल ट्रेड फेयर स्टार्ट हो चुका है और ये 4 दिन का पूरा ट्रेड फेयर था, इंडिया का पहला वर्चुअल ट्रेड फेयर। वर्चुअल ट्रेड फेयर का मतलब क्या हुआ गाइस, अगर एक आप एक कस्टमर हो तो आप अपने कस्टमर पर एक लिंक पर जाएंगे जहां पर आपको, यार ट्रेड फेयर का मतलब क्या होता है, कभी आप लोग दिल्ली के प्रगति मैदान में गए हो या छोड़ो हमारे अपने शहरों में, नहीं प्रदर्शनी लगती है, हम जाते हैं उसमें झूले वूले लगे होते हैं, साथ में सारे दुकानदार एक अपने शॉप खोले होते हैं, है ना, वही चीज है ट्रेड फेयर। ये वर्चुअल हो गया, ऑनलाइन हो गया। आइए आपको दिखाते हैं, द एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ हैंडीक्राफ्ट होस्टेड अ 4-day वर्चुअल फेयर फॉर अराउंड 200 इंडियन एक्सपोर्टर। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट, इन्होंने एक वर्चुअल ट्रेड फेयर शुरू किया जिसमें 200 इंडियन एक्सपोर्टर ने अपने अपने वर्चुअल शॉप लगाए थे और इनके इन्होंने क्या आइटम सेल किए, तो यहां पर जो आइटम थे वो बेसिकली फैशन, ज्वेलरी और एक्सेसरीज थी। तो इंडियन एक्सपोर्टर मतलब जो कि बेसिकली लोग एक्सपोर्ट करते हैं ज्वेलरीज को या स्टोन को, तो ये वर्चुअल ट्रेड फेयर का मतलब क्या हुआ, मतलब जैसे फेसबुक होता है हम लोग अपनी फोटोज लगाते हैं, तो एक प्लेटफॉर्म होगा, एक पोर्टल होगा जहां पर हर शॉपकीपर को अपने अपने दुकान का फोटो, आपने आपके पास कौन कौन से आइटम्स है वो आपने वर्चुअली वहां पर पेस्ट कर दिए। अब एक कस्टमर है, उसे अगर मान लीजिए वो आपके शॉप पर गया, उसे एक ज्वेलरी पसंद आ गई, उसने उस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद क्या होगा, स्काइपी अपने आप, अगर आपने क्लिक किया तो स्काइपी अपने आप लॉग इन हो जाएगा और फिर क्या होगा, आप वर्चुअली बात करिए अपने ऑर्डर प्लेस करिए, आपके घर पर आपका सामान पहुंच जाएगा। ये पूरा थीम था इसका। तो फिलहाल आप देख लो, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने 4 दिन का वर्चुअल ट्रेड फेयर होस्ट किया, 200 इंडियन एक्सपोर्टर ने अपने अपने स्टॉल लगाए और ये स्टॉल बेसिकली ज्वेलरीज और फैशन एक्सेसरीज को लेकर थे, ठीक। अच्छा, इससे टोटल जो ये एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को 153 करोड़ रुपीज के रेवेन्यू जनरेट करने को मौका मिला और जो भी शॉपकीपर इस ट्रेड फेयर में वर्चुअल शॉप चाहता था उसको 10,000 रुपीज देने पड़े। मतलब अगर आपको अपना स्टॉल खोलना है वर्चुअली तो 10,000 रुपए दीजिए, आपके प्रोडक्ट आपका शॉप जो है वहां पे लिस्टेड हो जाएगा पेज पर। तो ये बड़ा अच्छा था, तो ये भी हमने आपको देख लिया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, और अब बात करेंगे बिजनेस फाइनेंस में न्यूज नंबर 3 की। तो न्यूज नंबर 3 की बात करें तो इंडिया बिकम सेकेंड नेशन टू हैव कॉन्टेक्ट फ्री ATM कैश विदड्रॉल। तो भारत दुनिया का दूसरा देश बन गया है आफ्टर USA जहां पर अब आपको ATM में अपना कार्ड स्वैप करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही ATM से कैश निकाल सकते हैं। कैसे पॉसिबल होगा, तो अब क्या होगा कि उसमें ATM मशीन्स में एक स्कैन करने का ऑप्शन आएगा, आपको अपना ATM कार्ड केवल स्कैन करना है, स्कैन करते ही आप पैसा निकाल सकते हो। इसके लिए क्या हुआ वो देखिए, इसके लिए EMPAYS पेमेंट सिस्टम, ये मुंबई की एक कंपनी है, तो EMPAYS पेमेंट सिस्टम ने मास्टर कार्ड के साथ एग्रीमेंट किया है टू लॉन्च कार्डलेस ATM पावर्ड बाय मास्टर कार्ड। कार्डलेस ATM पावर्ड बाय मास्टर कार्ड, तो मास्टर कार्ड और EMPAYS के बीच में एग्रीमेंट हुआ है और मतलब क्या इसमें होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। देखिए, तो इंडिया विल बी द फर्स्ट कंट्री आउटसाइड द US वेयर दिस प्रोडक्ट विल बी लॉन्च। तो US के बाद इंडिया दूसरा देश है जहां पर यह प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। इसमें क्या होगा, इसमें अगर आपके पास ATM है, आप ATM को विदाउट मतलब अपने डेबिट कार्ड को ATM में डाले आप क्या पैसा निकाल सकते हो। कैसे, आपको QR कोड स्कैन करना है अपने मोबाइल फोन से, और मतलब जैसे क्या हुआ गाइस समझिए मेरी बात को, आपने क्या किया, आपने अपना मोबाइल फोन में आपने एक इमेज खींच ली अपने कार्ड की, ठीक। अब वो लेकर आप जाइए और ATM मशीन पर स्कैन मशीन में स्कैन कर दिए मोबाइल को, आपको पैसा मिल जाएगा, ठीक है, सिंपल सा है। तो EMPAYS और मास्टर कार्ड के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, बस इतना। और इंडिया में ये फैसिलिटीज आई है, इंडिया पूरे वर्ल्ड का दूसरा देश बन गया आफ्टर US, तो एक पॉइंट आपके सामने ये। चलिए आगे बढ़ते, अब बात करेंगे इकोनॉमिक न्यूज की। और इकोनॉमिक न्यूज में अगर हम स्टैंडर्ड एंड पुअर की बात करें तो इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए भारत की ग्रोथ रेट को -5% बोल दिया,
स्टैंडर्ड एंड पुअर की हम बात करने वाले हैं, ठीक। तो स्टैंडर्ड एंड पुअर ने एक्जैक्टली में अभी एक रिपोर्ट निकाली है। इनके रिपोर्ट का नाम क्या है? इनके रिपोर्ट का नाम है फाइनेंशियल कंडीशन रिफ्लेक्ट ऑप्टिमिज्म, लॉकडाउन फैटिग इमर्ज। ये इनके रिपोर्ट का नाम था, हालांकि आपको रिपोर्ट का नाम याद नहीं करना है। तो इस रिपोर्ट में इन्होंने बोला है कि भारत का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है 2020-21 के लिए वो -5% रहेगा, -5%। लेकिन अगर हम आगे नेक्स्ट ईयर बढ़े तो नेक्स्ट ईयर में भारत की ग्रोथ रेट 8.5% रहेगी, और अगले साल की बात करें मतलब 22-23 की बात करें तो भारत ग्रोथ रेट 6.5% रहेगी। तो -5% इस साल रहेगी, इसके एक साल के बाद 8.5% बड़ा अच्छा है, और उसके बाद 6.5%। तो ये भी इंफॉर्मेशन हमने आपकी देख ली। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, और इकोनॉमिक न्यूज में न्यूज नंबर 2 की बात करेंगे। तो भारत सरकार ने हमारे देश में बैंबू प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए बैंबू इंपोर्ट, मतलब जो बिजनेसमैन बैंबूस को इंपोर्ट करते हैं उस पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाकर 25% कर दिया है। इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी मतलब यानी कि जैसे हमारे देश में जो बिजनेसमैन है जो बेसिकली कंबोडिया, म्यांमार, चाइना, यहां से बैंबू इंपोर्ट करते हैं अगरबत्तियां बनाने के लिए, तो अब उनको इंपोर्ट महंगा पड़ जाएगा, आपको बैंबू इंपोर्ट में ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। देखिए पूरी न्यूज। तो यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, हमारी भारत सरकार ने कस्टम ड्यूटी बढ़ा दिया है बैंबू इंपोर्ट करने पर। अगर आप एक अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर हो और आप अगरबत्तियां बनाने के लिए बैंबूस को इंपोर्ट करते हो तो अब आपको कस्टम ड्यूटी 10% से बढ़कर 25% देना पड़ेगा। और इससे क्या होगा, इससे फायदा यह होगा कि जो इंडियन बिजनेसमैन है वो बैंबूस को इंपोर्ट नहीं करेंगे, वो इंडिया से ही जो इंडिया के फार्मर हैं उनसे परचेस करेंगे। इससे क्या होगा, हमारे देश के फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी, ठीक है। तो ये क्यों किया गया है, टू इनकरेज यूज ऑफ डोमेस्टिक बैंबू अंडर द आत्मनिर्भर भारत स्कीम। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, ये भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं, और अब हम एग्रीमेंट पैक्ट और एमओयूज की बात करेंगे। तो एग्रीमेंट पैक्ट और एमओयूज में हम बात करेंगे आज एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी भाई मालूम ही है, हमने बुक्स पढ़ी है इसकी। तो एनसीईआरटी और रोटरी इंडिया के बीच में एमओयू साइन हुआ है टू टेलीकास्ट ई कंटेंट। एनसीईआरटी और रोटरी इंडिया, इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है टू टेलीकास्ट ई कंटेंट। गाइज आपको बताइए कि अब हमारे देश में थोड़ा फ्यूचर की तरफ हम देख रहे हैं, मतलब COVID-19 के बाद क्या है, बच्चों की पढ़ाई सबसे ज्यादा अफेक्ट हुई है। तो एनसीईआरटी ने अपने चैनल्स खोल दिए, अपने चैनल्स जहां पर एनसीईआरटी वीडियो लर्निंग भी करेंगे और आपको ऑनलाइन कंटेंट भी प्रोवाइड करेंगे। तो एनसीईआरटी के चैनल पे अब ये रोटरी इंडिया जो है, ये रोटरी इंडिया हिंदी में कंटेंट देंगे, उसके लिए इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है। आइए आपको पूरी न्यूज दिखाते हैं। देखिए तो नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी ने एक एमओयू साइन किया है विद द रोटरी इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन। तो इनके बीच में एग्रीमेंट का मुद्दा क्या है उसके बारे में बात कर ले। तो इनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उसके हिसाब से द एमओयू हैज बीन साइन फॉर ई लर्निंग कंटेंट टेलीकास्ट फॉर क्लास 1 to 12 ओवर ऑल एनसीईआरटी टीवी चैनल। यानी एनसीईआरटी के जो टीवी चैनल है उसमें ई लर्निंग कंटेंट प्रोवाइड करना होगा रोटरी को, e-learning कक्षा 1 से लेके क्लास 12 तक, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एमओयू रोटरी इंटरनेशनल विल प्रोवाइड द ई कंटेंट इन हिंदी लैंग्वेज टू एनसीईआरटी फॉर क्लास 1 to 12 फॉर ऑल सब्जेक्ट अंडर विद्यादान 2.0, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया गाइस, समझिए समझिए। तो मतलब सिंपल सी लैंग्वेज की बात करें तो एनसीईआरटी के अपने टीवी चैनल्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन गए हैं जिस पर रोटरी जो है वो क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक हिंदी में ई कंटेंट प्रोवाइड करेगा। बस इतना आपको पढ़ना है और कुछ पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं एग्रीमेंट पैक्ट और एमओयूज में न्यूज नंबर 2 की बात करते हैं। तो मारुति सुजुकी की बात करें तो मारुति सुजुकी मतलब ये जब इनके व्हीकल्स की बात करें गाइस तो रूरल इंडिया में सबसे बड़ा मार्केट शेयर मारुति सुजुकी का ही है। तो मारुति सुजुकी ने अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए महिंद्रा फाइनेंस के साथ एग्रीमेंट किया है। अब ये महिंद्रा फाइनेंस कंपनी क्या है, तो महिंद्रा फाइनेंस कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो आपको ऑटोमोबाइल के लिए लोन देती है। तो अगर एक कस्टमर मारुति सुजुकी कंपनी की गाड़ी वाड़ी खरीदने आता है तो महिंद्रा फाइनेंस उसको लोन देगी, इन सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। देखिए तो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने महिंद्रा फाइनेंस से एग्रीमेंट किया है। इसके तहत क्या होगा वो मैंने आपको बता दिया। एक पॉइंट और गाइस, मारुति सुजुकी ने कुछ दिन पहले चोला मंडलम कंपनी से भी सेम यही एग्रीमेंट किया था। तो मारुति सुजुकी ने दो
कंपनी से एग्रीमेंट किया है, एक चोलामंडलम और एक महिंद्रा फाइनेंस, दोनों का काम सेम ही है। मतलब जो कस्टमर मारुति सुजुकी की गाड़ियां खरीदने आता है उसको ये लोन देंगे, लोन लेकर वो अपनी गाड़ी खरीद सकता है मारुति सुजुकी ब्रांड की। ठीक है, अब देखिए तो अंडर द टाई अप मारुति सुजुकी, भाई सेम चीज है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब तो बाई नाउ एंड पे लेटर, बाई नाउ एंड पे लेटर हो रहा है, मतलब अभी आप खरीद लो बाद में पेमेंट करना, मतलब कोई डाउन पेमेंट वाली बात ही रहने नहीं रही है फिलहाल। तो आपको बस नाम याद रखना है मारुति सुजुकी, महिंद्रा फाइनेंस, चोला मंडलम फाइनेंस, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, और अब इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करेंगे। तो गाइस आपको याद होगा 2017, 18 और 18 में क्या हुआ था, मतलब रोहिंग्या क्राइसिस हुआ था पूरा म्यांमार में, और उसको देखते हुए क्या हुआ था कि जो मतलब म्यांमार की मिलिट्री है उसका नाम क्या है, उसका नाम है टट मादा, ये देखिए यहां पे। तो इनके 17-18 न्यूज को फेसबुक ने ब्लॉक कर दिया था, और कुछ जो म्यांमार मिलिट्री के जो ऑफिशियल्स थे, जो टॉप लेवल के ऑफिशियल्स थे, उनके अकाउंट बंद कर दिए गए थे। तो मतलब म्यांमार मिलिट्री की इंटरनेशनल मीडिया में काफी बेइज्जती फेसबुक ने की थी। उसके बाद म्यांमार मिलिट्री ने यह तय किया था कि अब वो फेसबुक को यूज नहीं करेंगे, फेसबुक पर उनके पेज नहीं चलेंगे। लेकिन अब म्यांमार की सेना ने ये मतलब फेसबुक पर अपनी वापसी कर ली है। आइए आपको पूरी न्यूज दिखाते हैं। तो म्यांमार मिलिट्री टट मादा हैज डिसाइडेड टू यूज फेसबुक अगेन टू प्रोवाइड एक्यूरेट न्यूज टू पीपल। तो लोगों को बिल्कुल एक्यूरेट न्यूज पहुंचाने के लिए म्यांमार की जो सेना है टट मादा, ये फेसबुक पर वापस आ गई। फेसबुक कहना मतलब ये आर्मी कहना ये है कि फेसबुक से सबसे ज्यादा लोग जुड़े हैं, तो सबसे ईजी वे है दूसरों तक कम्युनिकेशन करने का, इसलिए वो फेसबुक पर वापसी कर रहे हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसे हल्के मत लीजिएगा, क्योंकि 2018 में ये मुद्दा काफी ज्यादा लाइमलाइट में आया था। ठीक, तो लिखा भी है कि इन अगस्त 2018 फेसबुक ने मतलब 18 रिकॉर्ड जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिए थे टट मादा के, और कुछ ऑफिशियल्स के रिकॉर्ड मतलब बंद कर दिए थे, इसलिए ये वापस चले गए थे मिलिट्री, लेकिन अभी ये वापस आ गई है। ठीक है, चलिए तो ये न्यूज हो गई, आगे बढ़ते हैं गाइस, और अब बात करते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में न्यूज नंबर 2 की। तो ढाका, ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस, ढाका महानगर पुलिस की बात करें, इन्होंने योगा स्टार्ट कर दिया है फॉर इट्स ऑफिसर, कि ऑफिसर्स का इम्यून सिस्टम बने, वो हेल्दी रहे। कोविड-19 से बांग्लादेश को सबसे ज्यादा, सबसे अगर कोई देश ऐसे हैं जिनको सबसे ज्यादा अफेक्ट पड़ा है गाइस, तो एक तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है, दूसरा बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश की जो इकोनॉमी थी इन्होंने बहुत अच्छे से यूज किया था अपने रिसोर्सेज का, जो इनके तरफ चारों तरफ समुद्र मुद्र है उसका, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छा कर रहे थे, लेकिन कोविड-19 से इन्हें बहुत बहुत परेशानी हुई है इस बार। फिलहाल तो ढाका महानगर पुलिस ने योगा प्रैक्टिस शुरू की है अपने ऑफिसर्स के लिए, देख लीजिए यहां पे। तो ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस हैज स्टार्टेड योगा प्रैक्टिस फॉर इट्स ऑफिसर टू मेक देम फिजिकली एंड मेंटली फिट, बस इतना आपको समझना है ढाका पुलिस। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान देना था। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, और अब इंटरनेशनल फेस में चाइना की बात करते हैं। चाइना ने कमाल कर दिया। क्या गाइस आप लोगों ने मैरियाना ट्रेंच पर मूवीज देखी हैं, या फिर अभी जो नहीं एक मैगलेडन शार्क वाला आया था कि वो मैरियाना ट्रेंच में रहती है। यूट्यूब पर आपको मैरियाना ट्रेंच के बारे में बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। कहा जाता है कि मैरियाना ट्रेंच जो है, देखो फिलीपींस, यहां पर आपको दिख रहा है फिलीपींस के पास, यहां देखो मैरियाना ट्रेंच दुनिया में वो जगह है जो सबसे गहरी जगह, और चाइना ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। चाइना डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ पहुंच गया है, मतलब उस गहराई को चाइना ने नाप लिया है। ये चाइना वाले कोविड-19 फैलाकर यही सब कर रहे हैं। चलो आपको दिखाते हैं। तो एक अनमैन्ड सबमरीन सबमर्सिबल थी, मतलब एक बोट थी, चाइना ने उसको विश्व वर्ल्ड के सबसे डीपेस्ट पॉइंट मरियाना ट्रेंच में भेजा। कितने मीटर में? 10,907 मीटर। तो एक अनमैन्ड सबमर्सिबल ऑफ चाइना डाइव्ड डीप डाउन टू 10,907 मीटर इनटू द वर्ल्ड डीपेस्ट पॉइंट मरियाना ट्रेंच। अपने आप में बड़ी खबर है। चलो आओ देखते हैं यहां पर। तो इन टू तो क्या बोला गया, 2011 में चाइना ने एक डील साइन किया था इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के साथ टू एक्सप्लोर पॉलीमेथिलिक सल्फाइड फॉर अ पीरियड ऑफ 15 इयर्स इन इंडियन ओशियन। तो हिंद महासागर में खनिज लवण को मतलब ढूंढने के लिए चाइना ने इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से एग्रीमेंट किया था। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, जैसे कि मान लीजिए गाइस समुद्र है ना, ये पूरी समुद्र की अथॉरिटी इनके पास है। अगर कोई देश किसी जगह पर रिसर्च करना चाहता है कुछ भी, तो आपको इनसे अथॉरिटी लेनी पड़ती है। तो 2011 में चाइना ने ऑलरेडी अथॉरिटी ली है 15 साल के लिए हिंद महासागर में ये पॉलीमेथिलिक सल्फाइड को ढूंढने के लिए। ठीक, और चाइना को 10,000 स्क्वायर किलोमीटर प्लेस मिला है इंडियन ओशियन में इस डील से। हालांकि ये मैंने आपको बहुत डीप में इंफॉर्मेशन दे दी।
ठीक है, आपको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस चाइना, चाइना ने दुनिया के सबसे गहरी जगह मैरियन ट्रेंच में डाइव लगा दिया, अपनी सब अपनी अपनी बोट भेज दी और गहराई को नाप लिया। ठीक है, ये पॉइंट आपके सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, और अब बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम बात करेंगे डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी की, जिन्होंने डेवलप किया है अनन्या नाम का एक, आप यहां पे देख लो फॉर्मूला, ये एक तरह का मतलब सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का मतलब वाटर सॉल्यूशन, जो कि कोविड 19 के लिए आपको यूज करना है टू फाइट अगेंस्ट कोविड 19। तो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने अनन्या डेवलप किया है टू फाइट कोविड 19। पूरी न्यूज आपको यहां पर दिखाते हैं। तो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी DIAT, इन्होंने अनन्या नाम का वाटर बेस्ड डिसइंफेक्टेंट स्प्रे बनाया है विथ नैनो टेक्नोलॉजी अगेंस्ट फॉर्मुलेशन। अनन्या आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेंगे, बिकॉज पहली बात तो डिफेंस ने बनाया है, डिफेंस के इंस्टीट्यूट ने बनाया है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी अनन्या नाम होगा, एक वाटर बेस्ड डिसइंफेक्टेंट स्प्रे होगा, याद कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनन्या पांडे नहीं बेटा, अनन्या ये एक वो है डिसइंफेक्टेंट है, या बोल लो कि हमारी लैंग्वेज में तो ये एक स्प्रे है। ठीक, चलो, दिस स्प्रे कोई भी यूज कर सकता है, और कितने बड़े या छोटे पैमाने पर आप यूज कर सकते हो, आप चाहो तो अपने घर पे यूज कर लो, आप चाहो तो अपनी फैक्ट्रीज में यूज कर लो, ये सब जगह यूज हो जाएगा अनन्या। ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में न्यूज नंबर 2 की। तो गाइज आपको पता है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी अब स्टार्ट हो रही हैं बहुत सारे देशों में। तो कहने का मतलब गाइज क्या है कि एक कस्टमर, यानी मैं अगर मैं अपनी बात करूं, मान लो मुझे इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़नी है, किसी देश जाना है, तो क्या क्या गाइडलाइंस मुझे समझने पड़ेंगे, कहां कहां मैं अपने बैगेज ड्रॉप करूंगा, कहां कहां मुझे अपने चेकअप कराने हैं, तो इन सब की जानकारी के लिए IIT गुवाहाटी के स्टूडेंट ने एक एप्लीकेशन डेवलप किया है फ्लाइजी। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT गुवाहाटी, इनके स्टूडेंट ने डेवलप किया है एक एप्लीकेशन फ्लाइजी फॉर कंसिस्टेंट एंड कॉन्टेक्टलेस एयर ट्रेवल। यानी आपके एयर ट्रेवल में आपको किसी कॉन्टेक्ट में जाने की जरूरत नहीं है और आपकी एयर ट्रेवल बिल्कुल अच्छे से स्मूथ जाए, तो इसके लिए आपको फ्लाइजी नाम का ये एप्लीकेशन यूज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये जो फ्लाइजी एप्लीकेशन है, ये अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के नॉर्म के हिसाब से डिजाइन किया गया। इसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है कि आपके सामान लोड कैसे होंगे, आपको कहां पे अपने स्टफ ड्रॉप करने हैं, आपको कहां से रुकना है, कहां शॉपिंग करनी है, सब कुछ इस एप्लीकेशन में होगा। फ्लाइजी IIT गुवाहाटी के स्टूडेंट ने डेवलप किया है, याद कर लीजिएगा, यह भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, और अब बात करेंगे अवार्ड एंड विनर की। तो लास्ट ईयर रविश कुमार को रोमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था, रैमन मैग्सेसे, जिसे एशिया का नोबेल बोला जाता है, लेकिन इस साल एशिया का जो नोबेल प्राइज होता है रैमन मैग्सेसे अवार्ड, ये कैंसिल कर दिया गया कोविड 19 की वजह से, और ये तिबारा थर्ड टाइम है जबकि रैमन मैग्सेसे अवार्ड को जो कैंसिल किया गया। आइए आपको पूरी न्यूज दिखाते हैं। तो मनीला फिलीपींस में जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रैमन मैग्सेसे अवार्ड देती है, उसने अनाउंसमेंट किया है कि भैया कोविड 19 की वजह से हम ये अवार्ड सेरेमनी कैंसिल कर रहे हैं, हम ये अवार्ड सेरेमनी कैंसिल कर रहे हैं। रैमन मैग्सेसे जो अवार्ड है ये 3 बार हो चुका है, तीसरी बार है जब ये कैंसिल हुआ। पहली बार 1970s में जब फिलीपींस में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था तब ये अवार्ड नहीं दिया गया था। उसके बाद 1990 में जब फिलीपींस में भूकंप आ गया था, अर्थक्वेक, तो उसके लिए अवार्ड नहीं दिया गया था। तीसरी बार पूरे वर्ल्ड में कोविड 19 की वजह से ये अवार्ड नहीं दिया जाएगा, तीसरी बार। ठीक, अवार्ड की बात करें गाइस, तो अवार्ड जो है ये किसकी याद में शुरू किया गया था? तो फिलीपींस के एक बड़े ही लोकप्रिय प्रेसिडेंट थे रैमन मैग्सेसे, उनकी मृत्यु हो गई थी प्लेन क्रैश में 1957 में। तो 1957 में इन्हीं की याद में ये अवार्ड बनाया गया, ये अवार्ड बनाया गया। रैमन मैग्सेसे अवार्ड 5 कैटेगरीज में दी जाती है, जर्नलिज्म, गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सर्विस, लिटरेचर एंड क्रिएटिव कम्युनिकेशन। तो इन 5 रैमन मैग्सेसे अवार्ड इंपॉर्टेंट है, तो आपसे स्टडी क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए मैंने आपको इतनी न्यूज दी। ये कब शुरू हुआ, कितने कैटेगरीज में दिया जाता है, इसकी प्राइस मनी की बात कर ले तो इसकी प्राइस मनी है $30,000, $30,000, ये भी देख लीजिएगा। तो रैमन मैग्सेसे की जो प्राइस मनी है वो $30,000 है, तो ये भी याद कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे अवार्ड एंड विनर में न्यूज नंबर 2 की। तो अवार्ड एंड विनर में न्यूज नंबर 2 की बात करें गाइस, तो इंडिया की सोलर फेरी, फेरी का मतलब गाइस एक नाव जो कि यहां से वहां लोग ले जाती है, तो भारत की पहली सोलर फेरी आदित्य, तो आदित्य को एक अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। ये केरला में चलती है बेसिकली ये फेरी, तो इनको एक अवार्ड के लिए चुना गया है।
ये पूरी सोलर पावर्ड फेरी है। आइए आपको पूरी न्यूज दिखाते हैं। देखिए, भारत की पहली सोलर पावर्ड फेरी आदित्य, ठीक, इसको शॉर्टलिस्ट किया गया है फॉर द गुस्ताव ट्रूवो अवार्ड के लिए, गुस्ताव ट्रूवो अवार्ड के लिए, गुस्ताव ट्रावे अवार्ड के लिए, ये हिंदी में यहाँ पे लिखा है, ठीक है। आदित्य फेरी का मतलब समझ रहे हैं, ये एक बोट होती है जिसमें लोग यहां से वहां जाते हैं, आदित्य नाम है गाइस। ये भी काफी इंपॉर्टेंट न्यूज होने वाली है, आइए आपको पूरा पॉइंट दिखाते हैं, ठीक। तो जो ये आदित्य फेरी है, ये बेसिकली केरल के वाइकॉम से लेकर थवन काडावू रूट पर चलता है। देखो अब इतना डीप में तो पढ़ने की जरूरत नहीं, केरला में चलता है ये याद कर लो, इतना पॉइंट तुम्हारे लिए काफी है। बोर्ड का नाम क्या है? आदित्य नाम है। किस अवार्ड के लिए चुना गया है? तो गुस्ताव ट्रावे अवार्ड के लिए चुना गया है। बस इतना पढ़ लो, इतना अपने आप में काफी, रूट पर पढ़ने की जरूरत तुम्हें नहीं, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ेंगे गाइस, एक बात और देख लो। द फेरी वॉज बिल्ट बाय द नेवल सोलर एंड इलेक्ट्रिक बोट्स कोची and is currently being operated by the Kerala State Water Transport Department, ठीक है। हालांकि ये भी बहुत डीप की इंफॉर्मेशन हो जाएगी, आगे आपका मन, आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, ठीक है। Let me do it, thank you so much भाई, thank you so much। चलिए आगे बढ़ते हैं guys, अब state level news की बात करते हैं, और state level news में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर लॉन्च पंचवटी योजना फॉर द सीनियर सिटीजन। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने अपने स्टेट के बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए पंचवटी योजना शुरू की है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी न्यूज। देखिए, तो हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर जी ने लॉन्च किया है पंचवटी योजना फॉर द सीनियर सिटीजन ऑफ रूरल एरियाज इन द स्टेट। तो ग्रामीण इलाकों के जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर जी ने ये योजना शुरू की है पंचवटी। इस योजना में क्या होने वाला है वो देख लीजिएगा। देखिए, अंडर दिस स्कीम पार्क्स एंड गार्डन विल बी डेवलप, यानी पंचवटी स्कीम के तहत पार्क और गार्डन डेवलप किए जाएंगे, ठीक है। और ये भी मनरेगा स्कीम के तहत किए जाएंगे। इससे फायदा क्या होगा कि मनरेगा लेबर्स को इसमें एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगा, ठीक। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू प्रोवाइड पार्क एंड गार्डन अलॉन्ग विद द इंटरटेनमेंट टू द सीनियर सिटीजन ऑफ द स्टेट, ठीक है, समझ गया। पंचवटी योजना सिंपल, ये बेसिकली हिमाचल प्रदेश के जो भी मतलब रूरल एरियाज है वहां के सीनियर सिटीजन के लिए पार्क्स एंड गार्डन डेवलप किए जाएंगे प्रॉपर, इतना याद रखिए, ये भी हमने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, और अब हम बात करेंगे एक्स्ट्रा हाईलाइट की। और एक्स्ट्रा हाईलाइट में न्यूज नंबर वन की बात करें, मैंने आपसे बोला था कि हमारे पास दूसरे भी अपॉइंटमेंट की न्यूज है, और ये है मिस्टर हशमत अली याटू। हशमत अली याटू को अपॉइंट किया गया है एमडी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट कॉरपोरेशन का। तो जम्मू एंड कश्मीर हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट कॉरपोरेशन के एमडी के रूप में अपॉइंट किए गए हैं हशमत अली याटू। आइए आपको दिखाते हैं पूरी न्यूज। तो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने आदेश दिया है कि हशमत अली याटू इनको एमडी बनाया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट कॉरपोरेशन का। तो एक्स्ट्रा लाइट में न्यूज नंबर पहली हमारे पास ये थी। आगे बढ़े न्यूज नंबर टू की बात करें, तो ये भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक पॉइंट है। फ्लिपकार्ट गाइस, फ्लिपकार्ट पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अगर फ्लिपकार्ट के आप ग्रोसरीज खरीदेंगे ना, तो आप जो आइटम आपको खरीदना है वो आइटम या तो नहीं मिलेगा, या आप डालेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम होती है खरीदने में, सर्च करने में। तो फ्लिपकार्ट क्या कर रहा है? फ्लिपकार्ट इंट्रोड्यूस वॉइस असिस्टेंट फॉर ग्रोसरी, यानी कि अब आप वो फ्लिपकार्ट से अगर कोई ग्रोसरी आइटम खरीदना है तो आप बोल दीजिए, आप केवल बोल दीजिए, वो इनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो कम्युनिकेट होकर ट्रांसलेट होकर वो आ जाएगा टेक्स्ट फॉर्म में और आपका सामान आपको मिल जाएगा। तो फ्लिपकार्ट हैज लॉन्च अ वॉइस असिस्टेंट इन इट्स ग्रोसरी स्टोर सुपरमार्केट टू एनेबल कंज्यूमर डिस्कवर एंड बाय प्रोडक्ट इजिली यूजिंग वॉइस कमांड, ठीक है। तो ये भी न्यूज जरूरी है, ये भी हमने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, और अब न्यूज नंबर थ्री की बात करते हैं। तो मशीन टू डिस्पेंस मास्क एंड सैनिटाइजर इंस्टॉल एट द पटना रेलवे स्टेशन। तो पटना रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर वन पर एक प्रॉपर डिस्पेंस मशीन लगाई गई है जिससे आप मास्क और सैनिटाइजर परचेस कर सकते हैं। पूरे देश में पटना स्टेशन सेकेंड स्टेशन बन गया है आफ्टर नागपुर स्टेशन। नागपुर में 18 मई नागपुर स्टेशन पे पहले ही ये मशीन लग चुकी है और अब पटना में ये लगी है। तो नागपुर पहला प्लेटफॉर्म है और पटना प्लेटफॉर्म दूसरा प्लेटफॉर्म है, याद रखिएगा। चलिए द फर्स्ट लेकिन कहां बेटा? द फर्स्ट इन द ईस्ट सेंट्रल रेलवे। अगर आप ईस्ट सेंट्रल रेलवे की बात करेंगे तो पहला ऑटोमेटेड मास्क एंड सैनिटाइजर डिस्पेंसर मशीन जो है वो पटना जंक्शन पे लगाया गया। और इंडियन रेलवे की बात करेंगे दूसरा, सेकंड इन द इंडियन रेलवे आफ्टर द फर्स्ट सच मशीन वॉज इंस्टॉल्ड इन नागपुर रेलवे स्टेशन।
तो नागपुर में पहला यह मशीन लगा था, पटना में दूसरा लगा है। हाँ, अगर आप ईस्ट सेंट्रल रेलवे की बात करेंगे तो पटना पहला इस रेलवे स्टेशन माना जाएगा। तो ये भी हमने आपको इंफॉर्मेशन दे दी है। नेहा सिंह बोल रही है कि मी फ्रॉम पटना। नेहा वेरी गुड बेटा, एक काम करिए आप जाइए पटना, मतलब जाइएगा कभी और हमें दिखाइएगा कि मतलब कैसे इसे यूज करते हैं। ठीक, चलिए गाइस आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आपसे हम अपने न्यूज नंबर 4 की। वर्ल्ड एक्रीडिएशन डे 9 जून। तो वर्ल्ड एक्रीडिएशन डे या विश्व प्रत्यायन दिवस 9 जून को सेलिब्रेट किया गया। मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको डेज पर फोकस करना है, दिन का नाम कौन से डेट पर, अगर थीम है तो थीम भी, और थीम है एक्रीडिएशन इंप्रूविंग फूड सेफ्टी। एक्रीडिएशन इंप्रूविंग फूड सेफ्टी, ऑलरेडी मैंने आपको मई मंथ के सारे डेज और थीम बता दिए हैं, मेरे ख्याल से आपने उसे लर्न कर लिया होगा। एक दिन मैं आपको जून के भी अभी तक के डेज की थीम और डेज में आपको दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने न्यूज नंबर 5 की। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 8 लोगों की एक टीम बनाई है। टीम क्या बनाई है कि कोविड 19 से साउथ ईस्ट एशिया में जो रिसेशन आया है उसकी स्पीडी रिकवरी कैसे कर सके। मजे की बात देखो कि रघुराम जी राजन भी इसमें एक मेंबर है। मजे की बात क्यों, क्योंकि IMF ने भी एक कमेटी बनाई है, उसमें भी ये मेंबर है और एशियन डेवलपमेंट बैंक की कमेटी में भी ये मेंबर है। ठीक, तो ADB ने 8 मेंबर का पैनल बनाया है टू फाइंड सॉल्यूशन फॉर स्पीडी रिकवरी ऑफ COVID-19 इन साउथ ईस्ट एशिया। देखिए, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 8 मेंबर की कमेटी बनाई है। इस कमेटी का संचालन कौन करेगा, मॉडरेट कौन करेगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर अहमद एम सईद। तो मिस्टर अहमद एम सईद इस कमेटी को लीड नहीं बोलेंगे हम, मतलब मॉडरेट करेंगे, मतलब संचालन करेंगे इस कमेटी का। 8 मेंबर की टीम है। तो इनका काम क्या है गाइस, तो कोविड 19 जो पैंडेमिक है वो साउथ ईस्ट में जो तेजी से फैल रहा है उसको रोकने के लिए और जो इकोनॉमी पर अफेक्ट आया है उसकी स्पीडी रिकवरी करने के लिए ये कमेटी बनाई गई है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज होगी जो हमने यहां पर आपको दिखा दिया। चलिए गाइस अब स्टार्टिंग करेंगे अपने MCQs की। बहुत सारी न्यूज हमने कर ली, टाइम थोड़ा कम हमारे पास है, जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज द रैंक ऑफ मुंबई इन द मर्सर 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे। तो मुंबई की रैंक क्या है ये आपसे पूछी गई है और आपको इसका आंसर भी करना है। व्हाट इज द आंसर, एंड द आंसर इज गाइस 60 ऑप्शन नंबर है। तो मुंबई 60वें नंबर पे है ग्लोबल लेवल पे, लेकिन इंडिया लेवल पे नंबर एक महंगा शहर है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि ग्लोबल लेवल पे कौन सा शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है ग्लोबल लेवल पे। तो ये भी हमने आपको पढ़ाया है, ये भी हमने आपको पढ़ाया है। तो ग्लोबल लेवल पे अगर बात करें गाइस तो हांगकांग सबसे महंगा शहर है। ग्लोबल लेवल पे हांगकांग सबसे महंगा शहर है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर आपसे क्या पूछा गया है, मुंबई पूरे ग्लोबल लेवल पर दुनिया का 60वां सबसे महंगा शहर है, इंडिया का पहला, लेकिन एशिया में मुंबई कौन से रैंक पर आता है, एशिया में मुंबई कौन से रैंक पर आता है। तो एशिया की बात कर ले, एशिया में 19th नंबर पे आता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू मतलब आपसे पूछा गया है चेन्नई कौन से रैंक पे। भाई दिल्ली 101 रैंक पे है, मुंबई 60th रैंक पे है, तो चेन्नई का रैंक आपको बताना है। वी हैव 5 ऑप्शन, क्या इसका आंसर आप लोग देना चाहेंगे, और आंसर की बात कर ले इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 143 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 143 ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। मर्सर इज एन अमेरिकन ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टिंग फर्म, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द मर्सर लोकेटेड। तो मर्सर का मुख्यालय कहां पे है ये आपसे पूछा गया है, जिसकी अभी हम रैंकिंग पढ़ रहे थे। तो मर्सर का मुख्यालय कहां पे है गाइस, तो मर्सर का मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। Who is appointed as the Pakistan batting coach? Pakistan batting coach के मतलब पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच के रूप में किसे अपॉइंट किया गया, ये आपसे पूछा गया। और इनका नाम क्या है, इनका नाम यूनिस खान है, ऑप्शन नंबर बी यूनिस खान, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यूनिस खान ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। Who is appointed as Pakistan bowling coach for the tour of the England? For the tour of the England, both appointment, ठीक है, ये कौन है, ये है मुश्ताक अहमद, ऑप्शन नंबर ए। मुश्ताक अहमद ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हेडक्वार्टर ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लोकेटेड। भाई हमारे BCCI का हेडक्वार्टर वानखेड़े स्टेडियम मुंबई है, आपको पता होगा मेरे ख्याल से। तो वैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हेडक्वार्टर कहां पे है ये आपसे पूछा गया है। स्टैटिक क्वेश्चन है गाइस, और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर लाहौर पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज कंप्लीटेड द सेल ऑफ इट्स 50% स्टेक इन गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। मतलब गिफ्ट सिटी में अपना 50% शेयर किसने बेचा ये आपसे पूछा गया है। वी हैव 5 ऑप्शन, आंसर क्या होगा, और आंसर की बात कर ले, आंसर इज इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। तो आपसे पूछा गया है कि ILNFS ने अपना 50% स्टेक गुजरात गवर्नमेंट को सेल कर दिया है इन गिफ्ट सिटी।
तो गुजरात गवर्नमेंट के बिहाफ पर किसने ये शेयर परचेस किया, ये आपसे पूछा गया है, तो ये भी हमने पढ़ाया ही है। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज गुजरात अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन नंबर गुजरात अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज होस्टेड अ 4-day वर्चुअल फेयर फॉर अराउंड 200 इंडियन एक्सपोर्टर। 4 दिन का वर्चुअल ये जो मतलब वर्चुअल फेयर था, इसे किसने होस्ट किया, ये आपसे पूछा गया है, अराउंड 200 इंडियन कंपनी के साथ। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, मतलब स्टैटिक क्वेश्चन आपसे पूछा गया। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज ज्वाइंड हैंड्स विद मास्टर कार्ड टू लॉन्च कार्डलेस एटीएम पावर्ड बाय मास्टर कार्ड, किसने लॉन्च किया है गाइस, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका आंसर क्या होगा? तो ये मुंबई की कंपनी है, इसका नाम है ईएम पेस पेमेंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया बिकम विच नेशन टू हैव कॉन्टैक्ट फ्री एटीएम कैश विदड्रॉल, ये भी हमको पता है, आफ्टर यूएसए, आफ्टर यूएसए इंडिया इज द सेकेंड नेशन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, दिस कार्डलेस एटीएम विल एनेबल द यूजर टू विदड्रॉ देयर मनी जस्ट बाय स्कैनिंग कौन सा कोड। तो गाइस हमको पता है हम कौन सा कोड स्कैन करते हैं, हम क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, क्विक रिस्पांस कोड स्कैन करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द ईएम पेस पेमेंट सिस्टम, मैं आपको बोल चुका हूं, तो ईएम पेस पेमेंट सिस्टम कहां की कंपनी है, तो ये मुंबई की है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स रेटिंग हैज प्रोजेक्टेड द इंडियन इकोनॉमी टू श्रिंक बाय हाउ मच परसेंट इन फाइनेंशियल ईयर 21। तो फाइनेंशियल 21 की बात करेंगे तो भारत की इकॉनमी गिरेगी -5%, ऑप्शन नंबर बी, -5%, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज इंडियाज जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्टेड बाय एसएनपी ग्लोबल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22। तो फाइनेंशियल ईयर 22 का मतलब 21-22 के बाद वाला फाइनेंशियल ईयर, अरे मतलब 2021, मतलब इस साल के बाद वाला सा। इसका आंसर 8.5% है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। Where is the headquarter of the S&P? Standard and Poor का headquarter कहाँ पे? ये आपसे पूछा गया है। तो Standard and Poor का जो headquarter है वो न्यूयॉर्क यूएसए में है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यूनियन गवर्नमेंट हैज हाइक कस्टम ड्यूटी ऑन द इम्पोर्ट ऑफ विच प्रोडक्ट। तो आपको ये भी मैंने पढ़ाया है कि अभी 25% हाइक कर दिया गया है बैम्बूज पर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो यूनियन गवर्नमेंट ने कितना परसेंट कस्टम ड्यूटी बढ़ा दिया है बैम्बूज पर, ये आपसे पूछा गया है। तो 10% पहले था, अभी ये इंक्रीज करके 25% कर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। व्हेन वाज द नेशनल बैम्बू मिशन इंप्लीमेंटेड इन द कंट्री। तो नेशनल बैम्बू मिशन, जिसे हम ग्रीन गोल्ड भी कहते हैं बैम्बूज को, ये कब इंप्लीमेंट हुआ था? तो ये 2019-20 के बजट में आया था, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन मतलब एनसीईआरटी की बात करें तो इन्होंने एमओयू साइन किया है किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ फॉर द ई कंटेंट ऑन देयर चैनल। ई कंटेंट, ये किसके साथ एग्रीमेंट हुआ है? एनसीईआरटी का। तो ये एग्रीमेंट हुआ है रोटरी इंडिया फाउंडेशन, ऑप्शन नंबर डी, रोटरी इंडिया फाउंडेशन, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द एनसीईआरटी लोकेटेड। एनसीईआरटी का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो एनसीईआरटी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर ए। हु इज द प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के प्रेजेंट डायरेक्टर कौन है, ये आपसे पूछे हैं। आंसर इज ऋषिकेश सेनापति, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द रोटरी इंडिया फाउंडेशन लोकेटेड। तो रोटरी इंडिया फाउंडेशन का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज ज्वाइंड हैंड विद द महिंद्रा फाइनेंस टू ईज द फाइनेंस अवेलेबिलिटी फॉर कस्टमर। तो महिंद्रा फाइनेंस के साथ किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने एग्रीमेंट किया है, ये आपसे पूछा गया है, हम लोग पढ़े हैं, मारुति सुजुकी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। महिंद्रा फाइनेंस का हेडक्वार्टर कहां पे? तो महिंद्रा फाइनेंस का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी, हेडक्वार्टर ऑफ द मारुति सुजुकी। तो मारुति सुजुकी हेडक्वार्टर गुरुग्राम में होना, न्यू दिल्ली में, मतलब हाँ न्यू दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री मिलिट्री हैज डिसाइडेड टू यूज फेसबुक अगेन टू प्रोवाइड अक्यूरेट न्यूज टू पीपल। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार, ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ द आर्म्ड फोर्स ऑफ म्यांमार। ऑफिशियल नेम क्या है? तो ऑफिशियल नेम टट माडा है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। Which city metropolitan police has started yoga practices for its officers? तो इसका आंसर क्या होगा? तो हमको बता इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस, ऑप्शन नंबर ए। ढाका इज द कैपिटल सिटी ऑफ बांग्लादेश। व्हाट इज द करेंसी ऑफ द बांग्लादेश। बांग्लादेश की करेंसी क्या है, ये आपसे पूछी गई है। तो बांग्लादेश करेंसी टका है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
चाइना रीच द डिपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ, द डिपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ इज नोन एज, मतलब किस जगह पे है ये आपसे पूछा गया, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है मरियाना ट्रेंच, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइना साइन अ डील विथ इंटरनेशनल सीडेड अथॉरिटी टू एक्सप्लोर विच इंग्रेडिएंट फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर इन द इंडियन ओशियन, इन 2011 की बात हो रही है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर पॉलीमेटलिक सल्फाइड है, ऑप्शन नंबर बी. वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी लोकेटेड, तो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी का हेडक्वार्टर कहां पे है, इसका हेडक्वार्टर अफ्रीका में है, अफ्रीका में कहां पे है, वहां से जमैका, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, जमैका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी हैज डेवलप अ नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड डिसइंफेक्टेंट स्प्रे टू कॉम्बैट कोविड-19 नेम्ड एस, इसका नाम क्या होगा, तो हमको बताया गया इसका नाम होगा अनन्या, ऑप्शन नंबर सी. अच्छा, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी हैज डेवलप अनन्या, ये किस तरह का, मतलब ये किस तरह का लिक्विड है, बेस्ड डिसइंफेक्टेंट स्प्रे, अल्कोहल बेस्ड है, वाटर बेस्ड है, आयोडीन बेस्ड है, तो हमको बताया गया ये वाटर बेस्ड है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. वेयर इज द डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी लोकेटेड, ये कहां पर है जिसने अनन्या नाम का ये वाटर बेस्ड डिसइंफेक्टेंट बनाया है, आंसर इज पुणे, ऑप्शन नंबर सी, पुणे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट, स्टूडेंट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी स्टार्टअप डेवलप फ्लाइजी, तो हमने ये पढ़ा है कि किस आईआईटी के स्टूडेंट ने फ्लाइजी ऐप डेवलप किया, एंड द आंसर इज आईआईटी गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. हु इज द प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ द आईआईटी गुवाहाटी, कौन है अभी प्रेजेंट डायरेक्टर, इनका नाम क्या है, इनका नाम है टीजी सीताराम, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, सीताराम ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. रैमन मैक्सेसे अवार्ड अभी कैंसिल हो गया है, तीसरी बार ये कैंसिल हुआ है, और रैमन मैक्सेसे जो ये अवार्ड है ये कौन सी कंट्री आपको देती है, आपको मतलब जिसको भी मिलता है, तो ये बताइए, ये फिलीपींस देती है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. रैमन मैक्सेसे अवार्ड की बात कर ले तो ये रैमन मैक्सेसे नाम के प्रेसिडेंट थे किस कंट्री के, जिनके 1957 में मृत्यु के उपरांत ये अवार्ड दिया जाने लगा, तो हमने पढ़ा है भाई ये फिलीपींस के ही किंग, फिलीपींस के ही मतलब ये प्रेसिडेंट थे, फिलीपींस ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. रैमन मैक्सेसे अवार्ड हैज बीन कैंसिल दिस ईयर ड्यू टू ग्लोबल एपिडेमिक, व्हाट व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश, तो हमको ये भी पता है ये 1957 में एस्टैब्लिश हुआ, ऑप्शन नंबर बी. हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन द प्रेस्टिजियस रैमन मैक्सेसे अवार्ड, वेरी गुड, पहला इंडियन जिसको रैमन मैक्सेसे अवार्ड मिला, तो वो कौन थे, वो थे आचार्य विनोद भावे, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. इंडिया फर्स्ट सोलर पावर्ड फेरी बोट आदित्य हैज बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द विच अवार्ड, विच अवार्ड, केरल का ये फेरी है, मैंने आपको बता दिया था, इसका आंसर गुस्ताव ट्रोवे अवार्ड, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट, गुस्ताव ट्रावे अवार्ड की बात करें तो ये गुस्ताव ट्रोवे जो है इनके नाम पे दिया जाता है, ये किस कंट्री से बिलोंग करते थे, मतलब ये स्टैटिक में थोड़ा डीप में चलेगा, इसका आंसर क्या होगा, फ्रांस, ये फ्रांस के थे, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. Which state has launched Panchavati Yojana for the senior citizen of rural areas in the state? Answer is Himachal Pradesh, option number C is right answer. Where is the winter capital of the Himachal Pradesh located? Winter capital of Himachal Pradesh. Answer is Dharmashala, option number B is right answer. Which of the following dam is located in Himachal Pradesh? Chamera, Bhakra, Koldam, Kisau Dam, what is the answer? Answer is all of the above, lekin isme sabse important kaun sa hai? Bhakra Nangal Dam, option number B is right answer. Who get charge of MD of Jammu and Kashmir Handloom and Handicrafts Corporation? Kya iska answer hone wala? And the answer is Hashmat Ali, option number A. ठीक है, next point. Which of the e-commerce platform has introduced voice assistant for grocery? Answer is Flipkart, option number B is right answer. Who is the present CEO of the Flipkart? Present CEO? Answer is Kalyan Krishnamurti, option number B. Kalyan Krishnamurti, option number B is right answer. World Accreditation Day kab manate hain? World Accreditation Day 9th June, option number D. 9th June, option number D. What is the theme of the World Accreditation Day? Theme kya hai is baar ki? To theme ki baat kar le, iski theme kya hogi? Theme hogi Accreditation Improving Food Safety, option number B is right answer. Who has formed an 8-member panel to find solution for the speedy recovery of COVID-19 in Southeast Asia? तो हमको यही पता है इसका आंसर होगा ADB, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. चलिए गाइस, तो यहां पे हमारा सेशन कंप्लीट होता है. थैंक यू सो मच, आपने काफी पेशेंस से हमारा न्यूज देखा. चलिए मिलेंगे कल आपसे गाइस फॉर द करंट अफेयर्स. थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़ाई करिए. एग्जाम की नोटिफिकेशन कभी भी आपकी आ सकती है, आप चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंकिंग की कर रहे हो, SSC की तो आ चुकी है. थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं आपसे कल फिर मॉर्निंग में 7 AM पे. थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच.